Hi guys, welcome back to the channel. My name is Sarvesh Breed. Thank you so much for all your support on the last video. This time again, once again, we are coming up with a new product, that is the Tail Tidy for Xpulse 200, which would be for 2V BS4 model, BS6 model, 4V rally models, T models, because everything at the tail is completely same. So इसमें अगर कुछ explanation है तो इसका जो fitting है उसका एक video हम लोग आपके लिए बना रहे हैं. So if you have ordered this piece, well and good. शायद से आपको fitting में ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी. Just because we have to eliminate this part. So ये है अपना tail mudguard. यहाँ तक ये piece है जो कि आपके अंदर के fiber piece के ऊपर लग जाता है. ये clips है, यहाँ पे सारे lockings है, यहाँ पे आपके indicators, यहाँ पे number plate light और यहाँ पे अपना number plate लग जाता है. उसके कंपैरिजन में हम लोग ने जो टेल टाइडी डिज़ाइन किया है उसके वीडियोस यहाँ पे प्ले कर देंगे, सो यू गेट टू नो हाउ डज इट लुक. फास्ट, इससे पहले हम लोग ने काफ़ी सारे टेल टाइडीज नोटिस किए थे. वी बीन टू हीरो इवेंट्स एंड बहुत सारे लोगों की टेल टाइडीज को हम लोग ने टच करके नोटिस किया था. कोई टेल टाइडीज 1 mm, 1.5 mm, 2 mm में बने हुए थे, बट टेल टाइडी का ये जो माउंटिंग है, ऑनेस्टली बताओ तो यहाँ के माउंटिंग से कंपेरेटिवली आपका नंबर प्लेट यहाँ पर आ जाता है. अगर यहाँ से माउंट है, यहाँ पर अगर आपका नंबर प्लेट यहाँ पर भी आ गया, तो ये पूरा एरिया हवे में है. हवे में होने के वजह से अगर आप जहाँ पे टच करते हो वो लूज़ होता है. तो हम लोग ने उसमें एक सेकेंडरी बोल्टिंग का ऑप्शन पकड़ा है, जहाँ पे ये वाले जो बोल्ट जहाँ पे लॉक हो जाते हैं, इफ़ यू नोटिस, इसको एक अंदर का फाइबर पैनल है उसके ऊपर ये लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ये टाइट बैठता है. वी यूज़ द सेम फार्मूला, वी डन द सेम थिंग ऑन द टेल टाइडी, ऑन आर टेल टाइडी पीस. तो उसके साथ साथ हम लोग ने एक और एक चीज़ ऐड किया है, दैट इज़ द स्लाइडेबल ऑप्शन. सो काफ़ी लोगों को एक अलग अलग नज़रिया होता है कि मुझे मेरा टेल टाइडी बाइक से बहुत क्लोज रखना है, तो मुझे कॉम्पैक्ट रखना है, किसी को उसको एनलार्ज करके बाहर की तरफ रखना है, टू गिव इट लाइक मोर अपीलिंग लुक टूवर्ड्स आउटसाइड. तो हम लोग ने वो ऑप्शन को रखने के लिए वी हैव गिवन कैप्सूल्स, जिसकी वजह से आप स्लाइड कर सकते हो उस चीज़ को. सो दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रोडक्ट लुक्स लाइक. यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स आ गए, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आ गया. 2 mm का पीस है, लेज़र कट और बेंट, जिसके वजह से उसकी फिनिशिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कहीं पे भी कुछ एडजस्टेड फील नहीं होगा. द एंटायर पीस इज मशीन बिल्ड. रही बात उसके बिल्ड क्वालिटी की, तो दिस इज़ लाइक अ 2 mm MS पीस, जिसको हम लोग ने पाउडर कोट किया हुआ है, जिसके वजह से रस्टिंग के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. एस्थेटिकली बहुत सारे लोगों को एक टेल में एक ऐसा लुक चाहिए होता है जहाँ पर उसका टायर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने नंबर प्लेट को भी इस तरीके से माउंट किया हुआ है. इसका जो पेंट का लाइन है वो टायर के लाइन से मैच किया गया है. दैट इज़ द रीज़न, अगर आप कहीं पे भी फोटोज़ लेते होंगे साइड से, तो यू वुड गेट टू नो हाउ डज इट लुक. विल बी पोस्टिंग मच मोर फोटोज़ ऑन आर इंस्टाग्राम एज वेल. इंस्टाग्राम आई डी भी हम लोग दे देते हैं, ताकि आप वहाँ पर जाके फोटोज़ चेक कर सकते हो. आई बिलीव द एंटायर वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू टेक अ लुक एट द एंटायर प्रोडक्ट. विल बी एडिंग मोर बीरोज़ टू इट. एंड तो फिटिंग के लिए गए, ये जो आपके व्हाइट कलर के जो आगे के पैनल्स हैं उनको निकालना है. उसके बीच में एक छोटा सा कनेक्टिंग पैनल है जिसको मैंने येलो रैप करके रखा है, उसको निकालना है. वो निकालने के बाद आपका टेल लैम्प वाला जो पीस है उसको निकालना है. उसके साथ साथ टेल लैम्प का जो लाइट सॉकेट है उसको निकाल के सीट के लिए जो केबल लॉक दिया हुआ है उसको एकदम अच्छे तरीके से निकालो गाइस. और इवन उसको वापस फिट करते हो, बी केयरफुल, उसका जो सेकेंडरी लॉकिंग है वो ठीक तरीके से लॉक नहीं हुआ, तो आपकी सीट, अगर आप उसके बाद में अपनी सीट लगा दिए और अगर वो सीट निकालने में आपकी आपकी केबल्स ढंग से मूव नहीं होती होगी, तो शायद से वो लॉक हो सकता है एंड देन बड़ा प्रॉब्लम होगा. साइड में जो बोल्ट्स है उनको निकालना है, जो लोअर एंगल वाले बोल्ट्स है उनको निकालना है, आपका टेल वाला पीस निकल जाएगा. उसके साथ में अगर आपका पहले नंबर प्लेट निकाल देना है, आपके इंडिकेटर्स को निकाल देना है, आपकी टेल लाइट जो है नंबर प्लेट लाइट है उसको निकालना है, उसके बाद आप अपना पहले सबसे पहले टेल टाइडी ब्रैकेट के ऊपर सारे चीज़ों को लॉक करके ले. वी वुड रेकमेंड पहले नंबर प्लेट की जो लाइट है उसको लॉक करो, बाद में आपका जो इंडिकेटर है उसको माउंट करो, देन नंबर प्लेट को माउंट कर दो. इनकी सारी वायरिंग्स को फ्री रखना, फिर उस पूरे पीस को बाइक के ऊपर माउंट कर देना. बाइक के ऊपर माउंट करने के बाद सारी वायर्स को वापस कनेक्ट करो. हम लोग ने बीच में बहुत बड़ा कैप्सूल देके रखा है, जिसके वजह से आप अपना नंबर प्लेट टेल टाइडी होल्डर जो है उस ब्रैकेट को आगे पीछे कहीं भी माउंट करोगे, आपके वायर्स कहीं भी पिंच नहीं होंगे. वंस इट्स माउंटेड, सारी चीज़ों को माउंट करने के बाद जिस तरीके से सब चीज़ों को उतारा था उसी तरीके से आपको सब चीज़ माउंट करनी है. आई एम प्रीटी श्योर कि वो पीस शायद से अगर हाथ में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा पीस है, बट इफ यू टेक अ लुक एट द मोटरसाइकिल, वो सारा का सारा पीस के ऊपर सब चीज़ माउंट होने के बाद इट गोज़ हिडन. इट इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटअप. एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस, हम लोग हर प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग प्रोटोटाइप टेस्टिंग 2 हफ्ते का तो रखते हैं, उसके बीच में अगर हमारी कोई राइड होगी तो वेल एंड गुड. तो इस वक्त हम लोग ने एक नाइट ट्रेल किया था तामिनी घाट के लिए, एंड वो जगह पे देयर वर नो रोड्स, एंड द बेस्ट रोड टू हैव एन एक्सपल्स
तो उस वक्त हम लोग ने ये इस पीस को टेस्ट किया हुआ है, एंड दैट इज़ व्हेन वी गॉट टू नो कि इसमें क्या कमी है, क्या इम्प्रूव करना है, एंड दिस इज़ लाइक द फाइनल इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, जिसके वजह से आपको इसे इस्तेमाल करने में मैं हमेशा कहूँगा कि डो नॉट वरी कि ये पीस 2 mm का है, दिखने में हल्का फुल्का लगता है, तो ये शायद से आप रैली या फिर ऑफ रोड जाते वक्त इसको निकालने की ज़रूरत है, ऐसे कुछ नहीं, बिंदास यूज़ करो। वी बिन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट समवेयर अराउंड 3 weeks, 4 to 4 weeks, इंक्लूडिंग द राइड एंड टूर एज वेल, तो इट इज़ वेल टेस्टेड। एंड आपको अगर इस पीस को ऑर्डर करना है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेजेस ऑन आर इंस्टाग्राम, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। बाकी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जो कुछ प्रोफाइल्स हैं हम लोग को टैग करनी है तो हम लोग टैग करके रखेंगे इस वीडियो के ऊपर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इज देयर। मेरा और प्रीतम का दोनों का नंबर हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली हमको हमारे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, एल्स यू कैन गिव अस अ कॉल। बाकी सारी चीज़ें शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, इट इज़ अवेलेबल, हम लोग इंडिया पोस्ट यूज़ करते हैं, तो देर आर टू ऑप्शन, वन इज़ रेगुलर पोस्ट, अनदर वन इज़ स्पीड पोस्ट। तो जिस तरीके से अगर आपको इमीजिएटली चाहिए होगा स्पीड पोस्ट से हम लोग आपको शिप कर सकते हैं। शिपिंग के एस्टिमेशन हम लोग आपको आपका लोकेशन, आपका एड्रेस हमको भेजने के बाद हम लोग आपको लोकेशन के हिसाब से आपके कितने चार्जेस होते जो भी होते उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। आते एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जहाँ की इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लॉन्चिंग प्राइस हम लोग ने 890 rupees रखा हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग ये टी टाइडी ब्रैकेट, उसके साथ हम लोग 2 Allen bolts देने वाले हैं, तो इसके जो कंपनी के जो बोल्ट्स हैं लोअर लॉकिंग के लिए वो काफ़ी छोटे हैं, वो आप वापस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो हम लोग आपको एलन बोल्ट्स प्रॉपर साइज़ वाले दे देंगे, जिसको आपको नीचे से माउंट करना है, आप नीचे से उसे माउंट कर देंगे तो ये ब्रैकेट जिस तरीके से सिक्योर होना चाहिए वो प्रॉपर सिक्योर हो जाएगा। दिस एंटायर टी टाइडी ब्रैकेट अलॉन्ग विद द बोल्ट्स इट्स फॉर 890 rupees। वी हैव केप्ट दिस ऑफर फॉर फर्स्ट 10 customers, जिसमें से अभी कुछ 7 या 6 बाकी है स्लॉट्स। So if you're watching this video right now, if you want this product, please make sure that you place an order as soon as possible. हम लोग आपको ship कर देंगे, या फिर आप कभी workshop visit कर पाए तो workshop का location भी दिया हुआ है, आप हमें contact कर सकते हो, you can come in here directly, यहाँ पर fitting कर सकते हो, no worries at all. So एक छोटा सा spin ले लेते हैं ताकि कुछ अच्छे b-rolls capture. I'll end this vlog right over here. I'll see you in my next vlog. और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर एक्सपल्स, क्योंकि हम लोग का पहला प्रोडक्ट जो था टू एक्सपल्स एक्स्ट्रा प्लेट, वो भी एक्सपल्स के लिए था, ये वाला भी एक्सपल्स के लिए है, बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोटोटाइप टेस्टिंग में है अभी, तो जल्द से जल्द हम उसे हमारे वुल्फ्रेंड कंपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसके ऊपर हम लोग उसकी अपडेट्स डाल देंगे। वी इवन मेक वीडियोज एज सून एज पॉसिबल, एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम चले जाता है, दैट इज द रीजन वीडियोज कमिंग इन अ लिटिल इन डिले, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपको हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर फॉलो करके रखना है, दैट इज़ व्हेन यू गेट ऑल ऑफ द अपडेट्स। ऑल्सो अगर आपकी कोई दूसरी बाइक है, लेट दैट बी अ जावा और लेट दैट बी एन RS 200 और लेट दैट बी एनी मोटरसाइकिल, वी डू बिल्ड कस्टम सैडल स्टेज फॉर योर मोटरसाइकिल, सो ऐसा मत सोचना कि मार्केट में ये कहाँ पर मिलता नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वी हैव बिल्ड कस्टम सैडल स्टेज फॉर ऑल ऑफ द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स जिसके लिए, सो हमने काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स के लिए कस्टम सैडल स्टे बनाया हुआ है, जिनके मेजरमेंट्स को लेके काफ़ी सारे कंपनीज अवॉइड करते ताकि उसके ऊपर बिजनेस नहीं बन पाता, बट वी डू नॉट हैव दैट थिंग इन आर माइंड, वी डू सर्व यू विद एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम आर एंड। और एक चीज़ बताऊँगा, दिस इज़ लाइक द फर्स्ट एडिशन ऑफ आर एक्सट्रिप रैक प्लेट, सो ये रैक प्लेट डायरेक्टली ग्रैबलेस के ऊपर माउंट होता है, दिस इज़ एन एक्सटेंशन सेटअप जो कि हम लोग अभी तक के लिए 6000 kilometers तक के लिए यूज़ कर चुके हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारा ट्रैवल कर चुके हैं, टॉप बॉक्स लोड कर चुके हैं, सामान लोड कर चुके हैं। और एक हिंट देना चाहूँगा कि देर इज़ एन अनादर 2.0 प्लेट कमिंग इन, बेसिकली इट वुड हैव मच मोर ऑप्शंस टू माउंट लगेज, बस इतना ही बताऊँगा, इसके आगे की कुछ चीज़ नहीं बताऊँगा, होप सो वो हम लोग काफ़ी जल्द से जल्द लॉन्च कर पाए। प्रीतम के बाइक पे उसका प्रोटोटाइप टेस्टिंग चल रहा है, तो अगर शायद से प्रीतम को कहीं पे तुमने घूमते घूमते देखा रहा रहेगा तो आपको प्रोडक्ट देखने मिलेगा, बट देन सून इनफ विल बी लॉन्चिंग इट वंस आवर प्रोटोटाइप टेस्टिंग इज डन। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई एल एंड दिस व्लॉग राइट ओवर हियर, सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। मेरे बाकी सारे वीडियोज़ भी आने में पेंडिंग है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू यू नो पोस्ट इट एज सून एज पॉसिबल। Do not forget to subscribe to the channel, like this video, share this video along with any of your friends who are expulse owners, or let there be any expulse.